नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि बात देश की है, देश को तोड़ने की है, और इसलिए आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। पूछ रहे आपको सवाल कि क्या कश्मीर वार्ताकारों की जो कमेटी बनी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, वो देश को तोड़ने की साजिश है? जी हाँ, क्योंकि इस देश में दोबारा बात उठ रही है, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान तो वैसे भी चलाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा? और साथ में इस पूरे रिपोर्ट में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आपत्ति उठाना तो दूर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बड़े गंभीरता के साथ बोल रहा हूं, मुझे इसके कानूनी पहलू के बाद बोल रहा हूं कि आपत्ति तो दूर, इस रिपोर्ट को बनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इस कमेटी के ऊपर सरकार ने जितना खर्चा किया उसको भी वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरह पाकिस्तान के द्वारा या इस देश के दुश्मनों के द्वारा पुरस्कृत रिपोर्ट लगती है। जिस कश्मीर को हम हमारा कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा होने की, उसको आजाद करने की बात की गई है। जिस 370 धारा 370 की हम बात करते हैं कि उसको हटाना चाहिए, उसको स्थायी करने की बात की जाती है। ऐसे कई मुद्दे हैं, हम ऐसे कई मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके कॉल लेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ये देश का मुद्दा है, इसलिए आज आपको बोलना ही होगा। आपके कॉल लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई वार्ताकार समिति की रिपोर्ट विवादों के घेरे में है। रिपोर्ट के अंदर कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करते हैं। रिपोर्ट के अंदर जो बातें कही गई हैं, उसमें प्रमुख रूप से 1952 के बाद से वहां लागू केंद्रीय कानूनों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जैसे मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कानून और अनुच्छेद राज्य के विशेष दर्जे को क्षति पहुंचाती है। इन सभी के अलावा जो सबसे प्रमुख कानून की धारा 370 है, उसे राज्य में लागू रखने की बात कही गई है, जबकि इसे हटाने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है। साथ ही धारा 370 के लिए इस्तेमाल किए गए टेम्पररी शब्द को हटाकर इसे स्पेशल शब्द में बदलने की बात कही गई है। इन शब्दों के पीछे भी कानूनी साजिश है, क्योंकि अगर टेम्पररी शब्द को स्पेशल में बदल दिया जाएगा तो इसे भारत के राष्ट्रपति भी नहीं हटा पाएंगे। इसे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कर ही हटाया जा सकता है। 3 सदस्यों की वार्ताकार समिति ने लगभग 179 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये वार्ताकार है राधा कुमार, MM अंसारी और दिलीप पडगांवकर। वार्ताकारों ने ये भी सिफारिश की है कि संवैधानिक जांच समिति की रिपोर्ट 6 माह के भीतर सौंपी जाए और ये सभी पक्षों को मान्य हो। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई है कि इसे 6 महीने के अंदर लागू करने और सभी पक्षों को मान्य करने की वकालत की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संसद राज्य के लिए किसी भी तरह का कानून न बनाए जब तक कि वो देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और उसके आर्थिक सरोकार के लिए जरूरी न हो। यानी संसद को भी राज्य के लिए कानून नहीं बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। शिक्षाविद राधा कुमार, MM अंसारी और पत्रकार दिलीप पडगांवकर की समिति का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। इसने प्रदेश के जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों में 700 प्रतिनिधियों से मुलाकात की और 3 गोलमेज सम्मेलन किए। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के तीनों इलाकों के लिए क्षेत्रीय काउंसिलों का गठन किया जाना चाहिए और इन तीनों क्षेत्रों को कानूनी कार्यकारिणी और वित्तीय मामले में भी कुछ अधिकार हासिल होने चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार लोगों और सामान की आवाजाही जल्द सुनिश्चित की जाए। साथ ही जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया जाए। अगर इन सबसे ऊपर उठकर रिपोर्ट की गहराइयों को टटोले तो ये अपने आप में चौंकाने वाला जरूर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा सुझाए गए नाम के अनुसार करने, धारा 376 जो कि राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके अलावा धारा 312 जारी करने, राष्ट्रपति के अधिकार में कटौती करने और केंद्र सरकार के दखल को कम करने जैसी बातें शामिल है। मतलब साफ है कि ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली लग रही है, या ये कह सकते हैं कि दुराग्रह से ग्रसित है।
जो जम्मू कश्मीर को शांति के रास्ते पर लाने के बजाय आग में घी डालने जैसा है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। ये रिपोर्ट के कुछ पहलू है, इसके सिवा भी बहुत कुछ गोला बारूद इसमें भरा हुआ है जो देश को तोड़ने का काम करने के लिए पर्याप्त है और बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ पिछले करीब 2.5 साल से ज्यादा समय में इस पूरे कमेटी ने देश को तोड़ने के लिए जिन शब्दों का उपयोग होना चाहिए, कश्मीर के ऊपर से हमारा अधिकार कम होने के लिए जिन शब्दों का उपयोग होना चाहिए और कश्मीर को अलग करने के लिए जिन विचारों का समर्थन होना चाहिए, वो भी इस रिपोर्ट में किया गया। आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे अजय भारती जी। अजय भारती जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। अजय जी जम्मू कश्मीर विचार मंच के अध्यक्ष है और इस पूरे कार्यक्रम में घंटे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात को आप कह सकते हैं। आइए हम पहले अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, इस पूरे रिपोर्ट के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी नजर दौड़ाने पर आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस पर ISI द्वारा जो जम्मू कश्मीर में पीस वार्ता के नाम पर या अनेक जो उससे द्वारा चलाई गई बातें इसमें स्पष्ट रूप से भारतीयों द्वारा कही गई है और ये स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करते हुए भारत के विखंडन का दस्तावेज ऐसा इस स्वरूप में सामने आया हुआ है। इसमें जो भाषा उपयोग की गई है उस भाषा का प्रयोग मेरे हिसाब से पहली बार भारत की तरफ से ऐसे किया गया है जिसमें पाक अधिकृत क्षेत्रों को पाक एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया बताया गया। इसी तरह से आजाद जम्मू कश्मीर ऐसे शब्द प्रयोग किए गए। कुल मिलाकर जो पिछले कश्मीर को जो पाकिस्तान के कब्जे में हम कहते हैं कि गुलाम कश्मीर है, उसको इन्होंने शब्द वो प्रयोग किया जो पाकिस्तान करता है, जो ISI चाहता है, जो अलगाववादी चाहते हैं, उन शब्दों का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, 1994 का जो हमारा हमारे संसद का जो एक रेजोल्यूशन है उसका नकारते हुए इनके तरफ से ऐसे सुझाव आए हैं कि जो पिछले 6 दशकों में भारत की तरफ से जितना भी हमने जम्मू कश्मीर में उसको भारत के साथ जोड़ने में जितने भी उपलब्धियां प्राप्त की है, इस दस्तावेज को पढ़ने से यह लगता है कि उसको एकदम समाप्त करने की सिफारिश। बिल्कुल अजय जी, आपके इस बात के और इस कार्यक्रम के सवाल के जवाब में Washington DC से एक प्रतिक्रिया आई है। इसमें लिखा गया है कि यही वार्ताकार है जो वॉशिंगटन में आने के बाद पाक परस्त काम करने वाले गुलाम नबी फई को मिलते थे और ये वही फई है जिसको अमेरिका के प्रशासन को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए जेल की सजा भी हुई है, जिनको जेल डाला गया था। ऐसे कश्मीरी व्यक्ति के कश्मीर के लिए पाकिस्तान की भूमिका का पुरस्कार का करने वाले व्यक्ति को अमेरिका ने जेल में डाला। उस गुलाम नबी फई के संपर्क में हमारी वार्ताकार टीम थी। अजय जी, क्या वैसे जब ये बात सामने आई तभी इस वार्ताकार टीम को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था? एकदम, सारे देश में एक इतनी प्रतिक्रिया हुई थी, सशक्त प्रतिक्रिया हुई थी और मांग हुई थी कि इनको बर्खास्त नहीं किया जाए बल्कि इन पर मुकदमा चला जाए, क्योंकि अगर ISI अमेरिका में अपनी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा खर्च करता है तो वो भारत में भी करता है और इसके अनेकों जबकि अमेरिका एक थर्ड पार्टी लेकिन जो हम एक पार्टी है और जो जिसका मालिकाना हक है, ऐसे पार्टी ने ही इनकी वो रिपोर्ट उनको न केवल उनको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा और इनको सम्मानित करते हुए इन पर जो हमारे आज के इस महंगाई वाले दौर में जब हमारे पास सिकारस रिसोर्सेज है उनको इन पर खर्च करते हुए एक ऐसा दस्तावेज बनाने के लिए कहा गया कि जो आगे आने वाले दिनों में देश की अखंडता पर, एकता पर एक प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत करने वाला दस्तावेज। आपके कॉल भी लेना हम शुरू करते हैं। पहले कॉलर क्या बात करते हैं देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए, क्या कहना है आपका? ये जो कश्मीर के विषय में जो कुछ लोगों ने रिपोर्ट बना के भारत से अलग करने का षड्यंत्र किया है उसके बारे में मैं 2-3 पंक्तियां बनाई है। बिल्कुल। 7,000 बलिदान हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, भारत माँ का सर कटने नहीं देंगे, उठेगा हाथ कश्मीर पर सर उसका काट लेंगे, वक्त आने पर शास्त्र छोड़ शस्त्र उठा लेंगे और हिंदुस्तान से कभी कश्मीर अलग नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही है। और ऐसे ही कई प्रतिक्रिया फेसबुक पर आ रही है और उसमें कई नारे भी आए हैं कि
दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो भून देंगे, ऐसे कई सामाजिक प्रतिक्रियाओं के साथ कई कॉलर भी हमारे साथ वेटिंग में है। लेकिन हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट और जम्मू कश्मीर विचार मंच के अजय जी के साथ। अजय जी, हम बात कर रहे थे कि इस कमेटी को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये रिपोर्ट आने के बाद भी मीडिया में भी या सरकार में भी, और दुखद बात है कि विपक्ष में भी कोई हमला नहीं हुआ है, हंगामा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है आपके। हाँ, विपक्ष में तो एक मुख्य विपक्षी पार्टी ने तो इसको रिजेक्ट करते हुए इस पर तो प्रतिक्रिया की है, लेकिन जो राजनीतिक हमारा जो यहाँ का सारा नेतृत्व है, उन्होंने जो प्रतिक्रिया देने चाहिए वो उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई, उदासीन है उस तरफ से। और शायद वो जो एक यहाँ पर एक सेकुलरिज्म के नाम पर जो सही बात को नहीं कहना, वो इस पर भी दिखाई देती है कि वो सामने आ रही है। और इसके दुष्परिणामों से भी वो मुझे लगता है कि उनके ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसके दुष्परिणाम जिनके लिए वो चाहते हैं, वो है कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वो चाहते हैं कि उनके हित के लिए बात हो। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद उस जनता को सबसे ज़्यादा पीड़ित होना पड़ेगा, उनको और अंधकारमय ऐसा जीवन सामने आने वाला है, ऐसा स्पष्ट दिख। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया है जम्मू कश्मीर से, फेसबुक पर कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट क्या पाकिस्तान में बनाने की कोई हिम्मत कर सकता है, और अगर कोई करता है तो उस वहां की सरकार उसको जेल में डालेगी। लेकिन हमारे यहां तो प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये अनुराग जम्मू से इस संदेश को भेज रहे हैं, और एक कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो भी सुनते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, जम्मू से अजय जम्मू। हाँ बोलिए। जम्मू से अजय जम्मू बोल रहा हूं। हाँ, क्या कहना है आपका? आपको हमारी आवाज सुनाई दे, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से रख पाएंगे। हम साथ साथ में आपको कारण भी दिखाएंगे, परिणाम भी दिखाएंगे, उपायों की भी बात करेंगे, और हमेशा की तरह बिंदास बोल में हम आपके सामने जो स्थिति लेकर आते हैं उस स्थिति को हम फिलहाल चर्चा में ला रहे हैं। इस विषय पर पूरा देश इस मुद्दे के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे सामने SMS पर और सोशल नेटवर्किंग साइट पर आने वाली कई प्रतिक्रिया पूरे देश भर से आई है। कन्याकुमारी से श्रीरंग कह रहे हैं कि इस विषय पर पूरा देश एक साथ है, सरकार अगर हिम्मत नहीं करती तो लोग करेंगे। हम एक और कॉलर से बात करते हैं, उसके पहले हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। राष्ट्रीय राज्य स्तरीय नेताओं का पाक प्रेम, अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति, समितियों के सदस्यों का चुनाव राजनेताओं द्वारा किया जाना, देशद्रोही लोगों द्वारा कमेटियों में राजनीतिक हस्तक्षेप, समस्या सुलझाने की बजाय उसे चुनावी एजेंडा बनाने की राजनीति, वार्ताकारों की रिपोर्ट का एक पक्षीय होना, सरकार का कश्मीर के मुद्दे पर गंभीर न होना, रिपोर्ट के अलगाववादी तथ्य पर ध्यान न देना, ये कारण है जिससे हमको लगता है कि ये रिपोर्ट देश को विभाजन करने वाली है। और अब तक जितने कॉलर ने अपनी प्रतिक्रिया यहां तक दी है, सोशल नेटवर्किंग साइट की जितनी प्रतिक्रिया आई है, वो इस बात का पूरा समर्थन करती है। अजय जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपको पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या और कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें मुझे जो लगता है कि सबसे प्रमुख कारण ये बनता है कि आगे जो 2014 की चुनावी तैयारी में, आप जैसे अभी आपने यूपी के चुनाव में देखा कि एक पक्ष विशेष को रिझाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम आपके कितने पक्षधर है, ऐसा बताने के लिए एक ऐसी तैयारी की जा रही है ताकि चुनाव में उसका एक नैरो ऐसा फायदा उसको उठाने का एक ये षड्यंत्र है, उसकी एक तैयारी है इस प्रकार की, ताकि देश को बताया जाए देखे कि हमने जम्मू कश्मीर की समस्या को हल कर दिया, इस प्रकार का एक हवा बना। लेकिन हमने पिछले दिनों भी कश्मीर के ऊपर कार्यक्रम किया था, मैं थोड़ा साफ शब्दों में बोलूंगा, आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत के मुसलमान भी यही चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहे, वो पाकिस्तान के साथ रहने की बात का समर्थन अभी तक हमने जितने बिंदास बोल किए उसी में किसी मुसलमान ने कश्मीर के बाहर के नहीं किया है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पर जो राजनीतिक नेता है वो ऐसा नहीं मानते, और 47 से लेकर आज तक
यही किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी है उनको पुरस्कृत किया गया, उनकी आवाज को जम्मू कश्मीर की आवाज कहकर किया गया। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले क्या होगा, इसका दुष्परिणाम जम्मू कश्मीर की जनता पर होगा, जिसमें मुस्लिम अधिकांश लोग हैं उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 20-22 साल में वो जो एक कष्ट भोगे हैं, जो एक मौत और उसका जो विनाश लीला वहां पर देखी है, उसी अंधकारमय जीवन में दोबारा धकेलने की ये एक तरीके से एक नाकाम कोशिश है। लेकिन जो नेता है, पृथकतावादी नेता या जो उस प्रकार की शक्तियां हैं, उनको सुदृढ़ करते हुए उन्हीं को जम्मू कश्मीर की आवाज, मतलब ये कहा जाएगा कि भारत के विभाजनकारी तत्वों ने जो इतने सालों में नहीं किया वो बात इस कमेटी ने की है। इस कमेटी का महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार द्वारा गठित थी और इसकी भाषा का उपयोग अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ ही करेगा। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए जी। मैं रवि सिंह जम्मू से बोल रहा हूँ। बोलिए रवि जी। मैं भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मुझे तो लगता है जो मेन प्रॉब्लम है वो है कांग्रेस पार्टी। इसमें शुरू से कांग्रेस का यही अपीजमेंट पॉलिसी रही है, फार दी पैसा वोट बैंक, ठीक है। तो ये मुझे भी लगता है कि ये ऑन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म ये जम्मू कश्मीर से बर्बादी कर रहे हैं, फार दी पैसा मुस्लिम वोट थ्रू आउट द कंट्री। तो लोगों को चाहिए कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, एक अपने देश में कांग्रेस को भी हटाने के लिए, हटाना क्या, इस पार्टी को खत्म ही कर देना चाहिए, तभी ये देश बचेगा, ठीक है सर। धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए। देश की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों की ये भावना बन रही है क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त किए लोगों के द्वारा देशद्रोह का काम हो रहा है। और एक कॉलर के पास भी जाएंगे लेकिन उसके पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है।